लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आम आदमी की जिंदगी यूं तो बहुत ही आम होती है, पर इसी जिंदगी में जब राजनीति का दखल होता है तब आम आदमी आम नहीं रहता, मैंगो मैन हो जाता है। झारखंड में सरकार के सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अब राज्यपाल को सौंप दिया है और राज्यपाल ने राज्य में अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सबको पैसा देना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी आग चलाओ। हर बिल्डर को अपने हर प्रोजेक्ट के टोटल कारपेट एरिया के हिसाब से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट देना होगा। एक तो मार्केट में वैसे भी मंदी चल रही है और उसके ऊपर इतनी भारी रकम, वो भी प्रोटेक्शन मनी के रूप में, भला हमको क्या बचेगा? बोलिए बड़ी साईं, बिल्डरों ने क्या ये बोझ कभी अकेले अपने सर पे लिया है? ग्राहक लेगा नहीं। आप सही कह रहे हो, ये आइडिया अच्छा है। हम खाली 300 रुपया पर स्क्वायर फीट बढ़ा देंगे, वो भी सुपर बिल्टअप के ऊपर। करेक्ट है। मैं पूछेगा कौन? इस रिश्वत में सब शामिल है। दो लोग इतना बड़ा कांड कर सकते हैं क्या? भाई मैं यकीन कर रहा हूँ, दोनों ने काम पहना होता है इसलिए। चुप! अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेम बिगाड़ डाला, कैसे भरेगा इतना बड़ा खड्डा, कैसे भरेगा? मैं और जवाब बाप को नहीं, बाप के बाप को देना है। ठिकाने लगा इसको। तेरे को कुछ पता है कि नहीं? हाँ, तू बात क्या कर। बोलता है? रुक, वो मनी बोल रहा है कि उसको पैसे की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ बोल पप्पू। भाई अपन ने जो लिस्ट बनाया था ना, मैंने सबको चेक किया, एक एक का डिटेल मैंने पूरा बराबर निकाला, लेकिन इनमें से किसी का हाथ है ऐसा लगता नहीं अपन। भाई रघु फोन नहीं उठा रहा है, उसके छोकरे लोगों को अपन ने मैसेज किया था लेकिन साले लोगों का कोई जवाब नहीं आया। ये नाम दिमाग से कैसा निकल गया रे? रघुनाथ पांडे।
ठोक डालो उसके आदमी लोग को, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। किधर? रुक, मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता है अभी। हाँ करता है मैं फोन। भाई वो टोपी का फोन था, वो बोल रहा था कि अपने बच्चा लोग पर अटैक हुआ। हाँ भाई। कोई गया क्या? अपने दो छोकरे लोग टपक गए ले भाई। इस बार मुख्तार के गेम का मजा आना ही चाहिए। पैसा कोई उसका चोरी करेगा और वो अपुन के छोकरे को टपकाएगा। अपने दो आदमी के मरने का खबर उसके चार आदमी के मरने का खबर बनना चाहिए। मैं इस वक्त मुंबई के साहिल इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ पर चार लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस इसे गैंग वॉर मान रही है। पुलिस इस गैंग वॉर को रोकने में अब तक पूरी तरह नाकाम रही है। तक की सबसे बड़ी घटना है। इस घटना में कुल पाँच लोगों को। ये सब क्या चल रहा है शहर में? हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त अंधेरी इलाके के गिलबोर्ड पोजीशन का हाथ रखू के सर पे है तो क्या डेढ़ छाना बनेगा? पैसा उसी ने चुराया है, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि खार इलाके में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस गैंगवार का कारण एक बहुत बड़ी रकम की चोरी है, जिसकी वजह से दो गुटों के बीच में जंग छिड़ गई है। मेरी बात करो। हेलो, ये शहर में क्या हो रहा है पवार साहब? आपकी होम मिनिस्ट्री सो रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मुट्ठी भर गुंडों को कंट्रोल नहीं कर पा रही आपकी गवर्नमेंट? हाँ, हम लोग कोशिश में लगे हैं और मेरी कल ही होम सेक्रेटरी से इस बारे में बात हुई है। हालात सुधारिए। ऑपोजिशन पहले ही हमारी सरकार गिराने की फिराक में लगी हुई है। कल तक रिपोर्ट्स चाहिए। कमिश्नर साहब को फोन लगाओ। हेलो कमिश्नर। जी सर। मुख्तार मेनन को अरेस्ट करवाओ। जी सर। चाहे किसी भी जुर्म में जी। ये गैंगवार बंद होनी ही चाहिए। ओके सर। बाकी का ये ले पांच। मुख्तार खान भाई किधर गया? कहाँ जा रहे हो भैया? क्या हुआ? हाँ क्या चाहिए तुम लोग को? कहाँ, क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है मुख्तार, पुलिस स्टेशन में बैठ के डिस्कस करते ना। चल भाजी पाव मंगाते हैं, खाते खाते बात करते ना भाई। पुलिस स्टेशन का हो जाएगा मैं? हाँ क्या किया है मैं? क्राइम बोलो क्या किया? ये किया है। ये ले 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 ले। तेरा क्राइम मिल गया तेरे को? तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल गया? कम से कम पांच खोके का माल है, इतनी लंबी लगेगी कि जिंदगी कम पड़ जाएगी। मैडी सर, ग्रेट जॉब, वेल डन। अरे मैडी, भाईजान को इज्जत से ले जाने का है तो क्या करना पड़ेगा? हथकड़ी लगानी पड़ेगी। आले भाई लगा तू तो अच्छा लगा था। हाँ जरा संभाल के। हाँ भाई की बहुत इज्जत है यहाँ पे।
तुम लोग मेरे साथ ये करके क्यों अपना लाइफ को टेंशन में डाल देंगे? क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए? मैं देगा। क्या 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 चाहिए? कितना चाहिए? 5 करोड़ 10 करोड़? मैं देगा, अब भी देगा, रोकड़ा देगा, रोकड़ा। रोकड़ा नहीं चाहिए मुख्तार, तेरी जान चाहिए। देगा वेल डन ऑफिसर, डिपार्टमेंट तेरे को प्रमोशन देगा पर रिटायर नहीं करेगा तेरे को। मुख्तार का ये बात लिख के रख। चल चल जा। ए, इतनी बड़ी बात बोल के गया वो और तू हंस रहा है। भाव, बचपन से ये डायलॉग सुनता आ रहा हूं। जब भी कोई विलेन ऐसी बातें करता है ना, एंड में कुत्ते की तरह मार खाता है। क्या बात है, चल बैग ले। सब यूनिट 9 के ऑफिसर एकलव्य करमरकर ने मीडिया को बताया कि वो जल्द ही इसके बारे में और खुलासा करेंगे, पर हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि मुख्तार को ड्रग्स की डील करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। Good job, Mary. Well done. Thank you, sir. आज से गैंगवार वैंगवार बंद हुआ, शहर भी शांति की सांस लेगा और हम लोग भी। अरे कौन सी शांति, किसकी सांस? आज कमिश्नर का फोन आ गया था, तो यह हाल है। कल किसी पॉलिटिशियन का फोन आ जाए। अरे उसकी माँ का मत बोल ऐसे यार। जी हाँ, 93.8 गुड एफएम पर मैं हूँ ऋतुराज। हर रोज की तरह आपका चहेता प्रोग्राम बातों बातों में लेकर हाजिर हूँ। भाई बातों बातों में ही तो बात बनती है, बात निकलती है तो दूर तक जाती है, बात लगती है बात चुभती है। इसलिए लगने और चुभने की बातों से दूर बातों में आए लफ्ज बात संभालेंगे, बातें संभलेंगी तो रिश्ते संभलेंगे। भाई शहर में आईपीएल की मस्ती जोरों पर है, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और ये बुखार शहर को इसलिए भी रास आ रहा है क्योंकि शहर में सुकून है, शांति है। मुख्तार मेमन की गिरफ्तारी से शहर को बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ समय से शहर में गैंगवॉर का माहौल था, अमन चैन छिन गया था। पूजा, ए क्या हुआ? मुख्तार तो अरेस्ट हो गया, गैंग वॉर भी खत्म, अब फुर्सत मिली अपने घर के लिए। अब क्या करना है मुझे? थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े हो सब? ठीक है बाबा, मत खाओ। ओके चलो प्लेट रख दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनो 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 सुनो। अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाइयां कैसे लोगी? मुझसे खाना खाया नहीं जाता, बिल्कुल मन नहीं करता, तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है। तुमसे पहले नेहा भी बहुत जिद कर रही थी, मैंने उसे डांट कर निकाल दिया। तुम जानती हो वो क्यों जिद कर रही थी? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी माँ एकदम ठीक हो जाए। वो वाली माँ, पक 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 पक, ये वाली माँ नहीं, वो वाली माँ। उसके फाइनल एग्जाम भी आ रहे हैं और मैं। अरे तुम रोना मत, सुनो सुनो, रो मत रो मत, सुनो देखो देखो, she'll be fine, थोड़ा खा लेते, ओके? ओके ओके, लिसन 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 लिसन, खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? थोड़ा खा लेते, ओके? थोड़ा खाएं, कम आ जाओ, थोड़ा खा लो, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
आओ बाबू, देखो मामा बुला रहे। I'm sorry, बेटा, sorry.